नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। रीवा जिले में करवा चौथ के दिन नवविवाहिता ने सुसाइड कर ली। बताया गया कि बुधवार की सुबह 9 बजे त्योहार के चलते फोन लगाया पर फोन रिसीव नहीं हुआ। ऐसे में अनहोनी की आशंका हुई क्योंकि ससुराल पक्ष काफी समय से प्रताड़ित कर रहा था। तब छोटी बहन ने अपने जीजा को फोन किया, कहा घर जाकर बात कराओ। उसने कहा कि बाहर है, तुम बात कर लो। फिर 2 घंटे बाद आत्महत्या की सूचना मिली। मऊगंज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने 7 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। यहां एमपी विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सख्त एक्शन लिया गया है। इन अपराधियों को 1 वर्ष के लिए मऊगंज जिले की राजस्व सीमाओं सहित रीवा, सिंगरौली और सीधी जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। रीवा जिले के चाकघाट कस्बे में करवा चौथ की खुशियां मातम में बदल गईं। डिप्टी मैनेजर पति बुधवार की सुबह पत्नी को कार में बैठाकर मंदिर गया। पूजा अर्चना के बाद दोनों किराए के मकान में लौटकर आए। यहां पत्नी कार से उतर गई, पति कार को बैक करने लगा, तभी नर्स पत्नी चपेट में आ गई। हादसे के बाद तुरंत पत्नी को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने महिला की हालत नाजुक बताई। ऐसे में प्रयागराज लेकर रवाना हुए, रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह सिंगरौली में रोड शो से पहले सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली शराब नीति घोटाले के संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष सशरीर प्रस्तुत होने का समन जारी किया गया था। वहां जाने के बजाय मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं। रीवा में चुनावी मौसम में शिकवा शिकायतों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी बीडी पांडे के खिलाफ सामाजिक चेतना जागृत संस्थान के अध्यक्ष नारायण मिश्रा द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त एसपी रीवा से शिकायत की गई है। मध्य प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों में विधानसभा निर्वाचन 2023 के आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को चुनाव प्रचार अभियान के तहत सतना पहुंचे। सिंधिया ने कहा कि मैं चुनाव प्रचार की शुरुआत मैं माता शारदा के दर्शन करके करना चाहता हूं। ये मेहरबिंद क्षेत्र का भाग है जिसे सिंधिया परिवार के दिल का संबंध हमेशा रहा है। माता शारदा की कृपा रही है। मेरी दादी पूर्व राजमाता ने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण लम्हे में मेहर वाली माता का आशीर्वाद लिया। उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव प्रचार के दौरान घोड़े की सवारी करने लगे। इस दौरान कुछ घर तक उन्होंने घोड़े की सवारी करते हुए प्रचार किया। इसके बाद स्कूली बच्चों की सड़क पर क्लास लेकर उन्हें अच्छे और बुरे नेता का पाठ पढ़ाते हुए मम्मी पापा से कांग्रेस में वोट डालने की अपील कर दी। यह नजारा मंगरौला गाँव में देखने को मिला। भाजपा नेता के भाई संजू मिश्रा के हत्यारे अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि हत्यारों को चिन्हित कर लिया है जिन्हें कि जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। गोरखपुर थाना अंतर्गत गुरुद्वारा के पास मंगलवार की रात को संजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे बंटी साहू ने अपने एक साथी के साथ मिलकर संजू को गोली मारी थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इमरती देवी एक मुश्किल में फंस गई हैं। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है। भाजपा प्रत्याशी इमरती पर 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज़ पर।